तुम्हें उदास सा पाता हूं मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। वो शोखियां, वो तबस्सुम, वो कह कहे न रहे, हर एक चीज को हसरत से देखती हो तुम। छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी, खुद अपने राज की तशहीर बन गई हो तुम। मेरी उम्मीद अगर मिट गई तो मिटने दो, उम्मीद क्या है, बस एक पेशपश है और कुछ भी नहीं। हाय दोस्तों, मैं हूं इरशाद कामिल और मैं हाजिर हूं आपके सामने नई सीरीज लेकर जिसका नाम है शायर। इस सीरीज के दौरान मैं कुछ गीतकारों के बारे में बात करूंगा, शायरों के बारे में बात करूंगा और वो सारी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा जो मेरे पास है, जो आपको आसानी से या शायद इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। आज के इस पहले एपिसोड में मैं जिस गीतकार और शायर को आपके पास लेके आया हूँ वो मेरा बहुत ही पसंदीदा गीतकार और शायर है जिसका नाम है साहिर लुधियानवी। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं कि साहिर लुधियानवी कौन था। कहा जा सकता है कि साहिर लुधियानवी 8 मार्च 1921 को लुधियाना के करीमपुरा की लाल पत्थरों वाली हवेली में आया और 25 अक्टूबर 1980 को मुंबई, यानी जो उस समय बॉम्बे था, चला गया। ये भी कहा जा सकता है कि साहिर के फादर का नाम फजल मोहम्मद था और माँ का नाम सरदार बेगम था। ये भी कहा जा सकता है कि साहिर एक ऐसा गीतकार था, एक ऐसा गीतकार है जिसके गीतों की चमक शायद बहुत देर तक, सालों साल तक रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि साहिर एक बिगड़ा हुआ आशिक था। साहिर एक गुस्से से भरा हुआ नौजवान था जिससे फिल्मी दुनिया के मगरूर खुदा अक्सर नाराज रहते थे। साहिर ने क्या पढ़ा था या साहिर कितना पढ़ा था ये भी जानना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से वैसे किसी शायर या लेखक की क्वालिफिकेशन उसकी लिखतों में, उसके लिखने में उसके अनुभव छलक जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं। तो साहिर की लिखतों में भी छलकता है कि उसको क्या अनुभव हुए, किस तरह के अनुभव हुए। किसी लेखक का लेख, किसी लेखक की कविता, कहानी, गज़ल कितनी उथली है, कितनी गहरी है, कितनी सुपरफिशियल है या कितनी दिल पे असर करने वाली है, ये पता चल जाता है। ये पता चल जाता है कि किस तरह का अनुभव हुआ है उस शायर को। कहने को ये कहा जा सकता है कि साहिर खालसा स्कूल में लुधियाना में पढ़ने के लिए गए और उसके बाद फिर एससी धवन गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में ही उन्होंने एडमिशन ले लिया और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उनका एक इश्क हो गया कॉलेज में, जैसा कि अक्सर हो जाता है, और उस इश्क की वजह से वो कॉलेज से निकाल दिए गए। वहाँ से निकलने के बाद वो लाहौर चले गए। लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया और उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने मोहब्बत का साथ छोड़ दिया और सियासत का साथ पकड़ लिया। जी, वहाँ स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन गए वो। और उसके साथ साथ, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें भी थोड़ा सा हिस्सा ले रहे थे, सियासत की तरफ थोड़ा सा रुझान हो रहा था। ये रुझान ऐसा नहीं कि लाहौर में जाके ही हुआ, ये रुझान उनको पहले भी था जब वो लुधियाना में थे। लेकिन ये स्कूल और कॉलेज की बातें, ये फिर से डिग्रियों की बातें हैं। मेरे ख्याल से साहिर लुधियानवी उतना ही पढ़े थे जितना वो जिए थे। साहिर लुधियानवी के पास उतनी ही डिग्रियां थीं जितने उनके पास साल थे। अब वो लुधियाना में भी रहे, लाहौर में भी रहे, असल में साहिर लुधियानवी का पक्का पता था क्या? साहिर लुधियानवी का पक्का पता अगर आप
सही से जानने की कोशिश करें तो आपको तरह तरह जगह जगह या आप कह लीजिए बहुत सारे लोगों के दिलों में मिल जाएगा। कहने को ये कहा जा सकता है कि साहिर का सही पता था साहिर लुधियानवी, परछाइयाँ जूहू बॉम्बे, पर ये फिर से वही सुपरफिशियल बात हो जाएगी, बड़ी उथली बात हो जाएगी। साहिर का सही पता जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1480 ईस्वी में। जी, 1480 ईस्वी में लोधी वंश के शासकों ने एक नगर बसाया जिसका नाम रखा लोधी आना, जो बन गया लुधियाना। अपनी शुरुआती जिंदगी के 3 साल, बचपन के 3 साल वहीं आसपास करीमपुरा में उसने बिताए। उसके बाद जब पिता के साथ डिफरेंसेस हो गए, सरदार बेगम के फजल मोहम्मद के साथ डिफरेंसेस हो गए, तो साहिर की अम्मा उनको जगराव पुल के पास ले आई। वहाँ वो तकरीबन अपनी जवानी के कह लीजिए 17-18 साल रहे। जगराव पुल के पास रेलवे की उस बस्ती में, जिस बस्ती में वो लोग रहते थे जो रेलवे लाइन से कोयला उठाते थे, कोयला चुना और चुगा करते थे और फिर उनको बेचा करते थे, इस बस्ती में साहिर ने 17-18 साल कायम किया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉलेज से निकाल दिए गए, कॉलेज से निकाले जाने के बाद वो लाहौर चले गए। लाहौर चले गए, वहाँ उनका एक दोस्त जो कि हमीद अख्तर जिसका नाम था, वो लिखता है कि लाहौर में कुछ साल बिताने के बाद जनवरी 1946 के आसपास साहिर बॉम्बे चला गया अपना सही पता बनाने के लिए। बॉम्बे में ही उनका असल पता बना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साहिर लुधियानवी का असल पता न लुधियाना में, न लाहौर में, ना बीच में थोड़ी देर जब वो दिल्ली रहे वहाँ पे, ना बॉम्बे में। उनका असल पता है आपके और मेरे दिल में। साहिर के मुतल्लिक एक सवाल और मेरे जहन में उठता है कि क्या साहिर सच में गीतकार बनना चाहते थे? साहिर का हार्डकोर फैन होने के नाते ये सवाल मेरे मन में आता है और अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि ये सवाल क्यों? शायद इसलिए क्योंकि इसके 2 कारण मेरे सामने आते हैं। पहला कारण बड़ा पर्सनल है, वो ये कि जब मैं हिंदी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था और साहित्यिक कविताएं लिखता था और वो कविताएं लिखने के बाद मैं अक्सर पत्र पत्रिकाओं को भेज देता था और साथ में भेजता था टिकट लगा हुआ अपना पता लिखा हुआ लिफाफा, ताकि अगर उनको वो कविता पसंद ना आए तो वो मुझे वापस भेज सके। अक्सर मेरी सारी की सारी कविताएं वापस आ जाती थीं और कुछ एक अच्छे जो पत्रिका के संपादक होते थे वो टिप्पणी भी लिख देते थे कि आपकी कविता पढ़ी, आपकी भाषा बहुत सरल है जिसकी वजह से कविता कविता नहीं बन पाई है, इसलिए आपको लौटा रहे हैं। या फिर कोई ऐसे लिख देता था कि हमारे पास पहले ही बहुत सी कविताएं हैं जिनको हम छाप नहीं पा रहे हैं, आपकी कविता हम लौटा रहे हैं, कभी किसी और पत्रिका में आप छपवा लीजिए, आपकी कविता हम कभी फिर दोबारा आप भेजेंगे तो छापने की कोशिश करेंगे। ये सारी टिप्पणियां देखने के बाद मेरा जो ये एक शौक था कि मुझे गीतकार बनना है, एक ड्रीम था, वो मेरा और पक्का हो जाता था कि मुझे अब तो गीतकार बनना ही बनना है। ऐसा ही मैं कई बार सोचता हूँ कि शायद इस वजह से भी ये सवाल के साहिर गीतकार बनना चाहते थे या नहीं, इस वजह से भी आता है कि इसी तरह का मिलता जुलता सा किस्सा उनके साथ भी हुआ था जिसको उनके दोस्त हमीद अख्तर ने एक जगह बयान किया है। वो किस्सा इस तरह है कि साहिर की किताब तलखियाँ, जो लुधियाना से उन्होंने लिखनी शुरू की थी और लाहौर तक आते आते कंप्लीट हो गई थी, उस किताब को छपवाने के लिए
पहले उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि नए राइटर की किताब छापने के लिए कोई पब्लिशर आसानी से तैयार नहीं होता। तो साहिर भी नए थे, किताब छपवाने के लिए जगह जगह गए, बात नहीं बनी। आखिरकार किसी एक पब्लिशर ने किताब छापी, और किताब छापने के बाद जब किताब मार्केट में आई तो हमीद लिखते हैं कि दयाल सिंह कॉलेज की लाइब्रेरी में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का एक जलसा था, एक फंक्शन था, जिसमें बहुत सारे राइटर थे और एक क्रिटिक ने साहिर की किताब तलखियां के ऊपर पेपर पढ़ना था। मतलब किताब कैसी है, क्रिटिक साहब को वो किताब कैसी लगी, ये बताना था। क्रिटिक ने पर्चा पढ़ा, पेपर पढ़ा, और पेपर में तलखियां में जो कुछ लिखा हुआ था वो आप ये मान लीजिए उसने सब लिखे हुए की धज्जियां उड़ा दी। क्रिटिक साहब को कुछ भी पसंद नहीं आया। उनको लगा कि भाषा बहुत ही आम भाषा में लिखी हुई किताब है, जो ख्याल हैं वो ठीक हैं लेकिन उतनी गहराई नहीं है, वगैरह वगैरह उन्होंने कहा। तो हमीद, जो साहिर के दोस्त थे और उस समय उनके साथ थे जब फंक्शन ख़त्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि यार साहिर, हई कि हई, तुम्हारी किताब की तो यार धज्जियाँ उड़ा दी क्रिटिक ने। साहिर साहब का असल नाम अब्दुल हई था, ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो साहिर साहब ने कहा, मियाँ अभी हदीसे दिल की बहुत तफसीरें लिखी जाएंगी, मतलब अभी जो दिल की बातें हैं उनके ऊपर बहुत सारे बयान होंगे, बहुत सारी बातें की जाएंगी जो मैं दिल से कहूँगा, वो अच्छी बुरी सब होंगी। तो ये दो बातें मुझे लगता है कि साहिर शायद अदब की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन अदब की तरफ उनका उस तरह से इस्तकबाल नहीं हुआ, स्वागत नहीं हुआ, वेलकम नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि मेरी भाषा सरल है, मेरी भाषा, मेरे विचार अच्छे हैं, लेकिन जो एक अदबी माहौल है उसमें ये अभी तक उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है इनकी, तो मैं फिल्मी गीतों के ज़रिए लोगों तक पहुंचता हूं, मैं आम लोगों का शायर बनता हूं, मैं सबके दिलों में उतरता हूं। साहिर साहब की जो कज़न सिस्टर है, उनके मामा की बेटी सफदर सफ़ी, एक जगह लिखती हैं कि साहिर की अम्मा सरदार बेगम असल में अपने बेटे अब्दुल हई को जज या सिविल सर्जन बनाना चाहती थी। सोचिए, अब्दुल हई किसी जगह पे जज होते, आज हमारे पास शायद साहिर लुधियानवी ना होता। इसी तरह की और अच्छी अच्छी बहुत सारी बातें साहिर लुधियानवी से जुड़ी मैं लेके आऊँगा अगले एपिसोड में फिर से। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।